तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजवे का दिल में। गाओ मुबारक खजानची से कह दो जी, इन कंचनियों को ठीक 21 स्वर्ण मुद्राएं जी और एक एक साड़ी देकर राजमहल से बाइज्जत रुखसत किया जाए। ठीक महाराज, जैसे आज्ञा मालिक। भैया इलाहाबादी। हाँ भैया फैजाबादी। महाराज का हुक्म है कि ले जाओ इन कंचनियों को, इनका इनाम दिला करके राज दरबार से रुखसत कर दिया जाए। हाँ भैया, लेकिन तुम यहाँ का देख रेख करना और हम इन कंचनियों को ले जा करके इनका इनाम दिला करके रात दरबार से रुखसत कर देते हैं। ठीक भैया, जाइए। एक कंचनियों जी, खाना नहीं खाई हो क्या? नहीं। चलो हमारे साथ चलिए, एक एक करके नमन करते हुए महाराज के हमारे साथ चलिए और अपना इनाम लीजिए, राज दरबार से रुखसत हो जाइए। आइए We'll be right back.
मुताबिक इन कंचनियों को ले जाकर के इनका इनाम दिलाकर राज दरबार से भेजे तो रुखसत कर दिए मालिक। बहुत अच्छा काम किया महामंत्री उदय प्रताप सिंह। कहे गण वीर सम्राट आपका गुलाम हाजिर है आपका हुक्म शरा खबर। हम कुछ पूछने जा रहे हैं सुनकर हमें शीघ्र और सही उत्तर देना। जय श्री आपका गण वीर सम्राट। हर मंत्री का पैनल और पोषण होता है। हर मंत्री का कर्तव्य होता है कि महाराज के हुक्म का पालन करना। मंत्री जी बतलाइए यानी कि आप अपनी जनता अपने विजयपुर की जनता के विषय में जानकारी लेना चाहते हैं तो ये महामंत्री उदय प्रताप सिंह अवश्य बताएगा राजन अवश्य बताएगा राजन। तो समाचार सब ठीक है खुशहाल है राजन किसी को किसी प्रकार का कोई संकट नहीं है। आपके नाम की गुणगान गाती है जनता आपके नाम की जय जयकार। महामंत्री उदय प्रताप सिंह जिस राज्य में तुम्हारा इच्छा महामंत्री रहेगा उस राज्य की जनता हमेशा खुशहाल ही रहेगी। सदानंद चेयर वीर सम्राट सेनानायक वीर बहादुर विक्रम सिंह। हम तुमसे भी कुछ पूछने जा रहे हैं सुनकर हमें शीघ्र और सही उत्तर देना। Oh,
कारण आप सीमा सरहद की जानकारी चाहते हैं। ए वीर बहादुर विक्रम सिंह, सीमा सरहद का हाल आपसे बस बताएगा राजन। सीमा के सौ समाचार से ठीक है दरकार है आपका बाल बाबा कर दो कोई जब तक आपका ये राजन, जब तक वीर बहादुर विक्रम सिंह सीमा सरहद पर तैनात है, सीमा सरहद पर इंसान क्या कोई परिंदा पर नहीं मार सकता राजन। सेना नायक यह वीर बहादुर विक्रम सिंह का वादा है। सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह, तुम्हारी ईमानदारी और बहादुरी का नतीजा है कि हमारे नाम का झंडा चारों तरफ लहरा रहा है। लेकिन सम्राट बड़े दुख की बात है जो इस विजयपुर के छोटे छोटे किसान मजदूर जो मुझसे शिकायत किए हैं राजन। सबसे पहले आप ये बताएं, आज के 5 वर्ष पहले सूखा अकाल के पड़ जाने के वजह से आपने विजयपुर के गरीब किसानों का कर्ज और लगान आपने राजन माफ किया था। हाँ सेना नायक, हमारे इस राज्य में अकाल पड़ गया था। हम सारी जनता को बुलाकर इसी रात दरबार से ऐलान किया था कि किसानों ऐ मजदूरों, हम तुम्हें अपने राज्य के इस राजकोष का जो कर्ज है, जो लगान है, हम तुम्हें आजाद करते हैं। सम्राट, जब आपने विजयपुर के गरीब किसानों का लगान और कर्ज माफ कर दिया था तो कहां का वसूल है, कहां का नियम है? गरीब किसानों के बदन में हंटर मार कर उनसे कर्ज और लगान वसूला जाता है राजन। ऐसा कौन सा गुस्सा किसान हमारी रियासत में पैदा हो गया है जो हमारे नाम को बदनाम कर रहा है? हम उसका नाम और पता जानना चाहते हैं। सम्राट, वो कोई दूसरा नहीं जो आपका चोर मंत्री बैठा है। ये गरीब किसान के पतन में हंटर मार कर हमसे लगान और मृदान वीर सम्राट, मैं इस विजयपुर का राज्य मंत्री उदय प्रताप सिंह हूं। विजयपुर में इस जनता में क्या हो रहा है ये हम जानते हैं। और ये सेना नायक वीर बहादुर विक्रम सिंह सीमा सरहद के नौकर हैं। उदय प्रताप सिंह के विषय में, ये वीर बहादुर विक्रम सिंह सीमा सरहद का सिपाही है, इस विजयपुर राज का सिपाही है। बाहर में रहते हुए तुम गरीबों को महामंत्री उदय प्रताप सिंह, तुम्हारी उत्तेजना बता रही है कि तुम गुनहगार हो, तुमने ऐसा काम किया है। दूर हो जाओ नजरों के सामने से, दूर हो जाओ। ठीक है राजन,
हर मंत्री का महाकर्तव्य होता है कि महाराज के हुक्म का पालन करना। अगर आपका हुक्म है कि हम राज दरबार से इसी वक्त चले जाएं, तो हम आपके हुक्म का पालन अवश्य करेंगे राजा। तानवीर सम्राट, आपके हुक्म अनुसार हम राज दरबार से इसी वक्त जा रहे हैं। सेनानायक वीर बहादुर विक्रम सिंह, आज तुमने हमारे गरीब किसानों को बचा लिया। आज ये तुम्हारा एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। मेरे दानवीर सम्राट, इसमें मेरा कोई एहसान नहीं है, ये तो मेरा कर्तव्य है, मेरा फर्ज है। हमने अपना फर्ज अदा किया है राजन। ठीक है, अब जाओ सीमा सरहद पर अपने जवानों को तैनात कर दो और उनकी देखरेख सही तरीके से करते रहना। खत्म आप है राजन, हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए। वो किस लिए? वो इसलिए, आप जानते हैं हमारी बीबी एक छोटे से बच्चे का जन्म देकर भगवान को प्यारी हो गई थी, जिसका नाम है भानु प्रताप सिंह। मेरा बेटा 10 वर्ष का हो गया है और 5 वर्ष से हम अपने बेटे से मुलाकात नहीं कर पाए हैं। हमें एक दिन की छुट्टी चाहिए, हम अपने बेटे से मुलाकात करने के बाद सीमा सरहद चले जाएंगे राजन। जाओ, तुम्हारी छुट्टी मंजूर की जाती है, लेकिन सुबह होते ही अपनी ड्यूटी के लिए रवाना हो जाना। महाराज, क्या बात है? हम दोनों जने कहाँ चले जाए मालिक? हाँ महाराज, तुम्हारे लोगों की ड्यूटी राज दरबार में लगी हुई है, ड्यूटी सही तरीके से करते रहना। ठीक है। और याद रहे, अगर कोई गरीब, कोई मजदूर, कोई किसान अगर कुछ मांगने के लिए आता है तो उसे खाली हाथ नहीं भेजना, नहीं हमारे नाम की बदनामी हो जाएगी। ठीक है महाराज, ऐसी आ गया महाराज। आज का राज दरबार यही समाप्त किया जाता है, मेन गेट बंद कर दिया जाए। गेट बंद कर दो। बंद कर दिया जाए। हो? हाँ हो। इलाहाबादी? हाँ भैया, फैजाबादी। हम तो यही नौकरी ही दे दिए इस्तीफा। काहे? अरे बताओ ले यार। हाँ। दो दो साल बीत जाती। हाँ हाँ। घरे जाए के रोजी नहीं हुआ। हम हूँ तो हिया ड्यूटी बजाई तहन, अब न जाने ठहर हुआ घरे हमारे ड्यूटी बजावत हुए। ए भैया, एक काम करो, तुम यहाँ ड्यूटी दियो। हाँ। हम चले जाए तुम्हारे घर में ड्यूटी दे भाई। अरे बच्चा तुहार मौसी ला गए। अरे हमा मौसी ला गए चाहे हमा अम्मा ही ला गए। ठीक है, राख लिया अबे काहे परेशान हो। इलाहाबादी? हाँ भैया, फैजाबादी। या बताओ, आजकल कोह के जमाना है? कोह के जमाना भैया? तुमका सारे यही नहीं पता कोह के जमाना है? तुम अहन बताओ कोह के जमाना है? आजकल है इलाहाबादी मेहरियन का जमाना। कैसे भैया? मनई माने झंडो बाम। हाँ बोलो काहे? बताइए काहे? आजकल मेहरियन का जमाना है। काहे भैया? आजकल राशन कार्ड आते हैं तो मेहरियन के नाम। सही है भैया। और लेटरिंग आती है तो मेहरियन के नाम। हाँ भैया। राशन कार्ड बनती है तो मेहरियन के नाम। सही है। आजकल मेहरियन का जमाना है। कैसे जमाना है? अब भैया इनका उद्दा ऊंचा होएगा। कब से? कब से होएगा? जब से इनके खोपड़ी के बार भी कई लागे। हाँ भैया सही है। अरे मोर भैया हुआ इतना ही भिनसार कि सवेरे गुब्बारा वाले आए जाते। हाँ भैया। तो जौन नान नान लौंडे रही है गिदहरे। हाँ भैया। अम्मा बार दे। हाँ अम्मा बार दे। हाँ अम्मा बार दे। पान पान नहीं खोपड़ी के बार नोच के लेके भागे। अच्छा भैया, गंगा कसम बताई थे यार हमारे घर में और हमारे
गाँव में तीन चार मेहरिया भैया मुंडी हो गई। हाँ। हमा मेहरिया वैसे मुआ भैया। चलो ठीक मेहरिया राखे के मतलब सुन लियो। हाँ समझाइए। अरे हाथ जोड़ कर कीजिए अरे पत्नी का सम्मान। अच्छा अरे हाथ जोड़ कर अच्छा? कीजिए पत्नी का सम्मान। अरे घर की रक्षा वो करे बना रहे परिवार। अरे ओम जय पत्नी रानी। अरे स्वामी जय पत्नी रानी। अरे तुम पहुड़ो पलगा पा। अरे तुम पहुड़ो पलगा पा। अरे सास भरे पानी। बोलो जय पत्नी रानी। मंत्री साहब की, मंत्री साहब की, मंत्री साले की, मंत्री काने की। इलाहाबादी आगे बढ़ो उधर नहीं पीछे हटो पीछे नहीं हमारे सामने आओ। मैंने कहा ना कि हमारे सामने आओ। दूर होकर मुझसे बात करो। सबसे पहले ये बताओ कि यहां पर गीत गाना कौन सा गा रहे थे। गाना नहीं गा रहे थे। अच्छा मैंने अपने कानों से सुना कि तुम लोग गा रहे थे ओम जय पत्नी रानी। जी हैं जी। किस तरह गा रहे थे? ओम जय पत्नी रानी। नहीं 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 उसी तरह गाते सुना वैसे न। हाँ और हमारा हंटर लेकर आओ। फैजाबादी के बच्चे तुझे ये मालूम होना चाहिए कि भरे राज दरबार में महामंत्री उदय प्रताप सिंह का अपमान हुआ। कैसे? और इसलिए मेरा दिल जल रहा है और तुम लोगों को सारे ओम जय पत्नी रानी की लगी है। आराम है। बाबू ओ इलाहाबादी लम्बरदार का दिल जलता है। पहुंचो पहुंचो कठौरा। जाओ 4 लीटर पेट्रोल लेके आओ। क्या करोगे? अरे लम्बरदार क्या करोगे पेट्रोल? अरे आपका दिल बुझाएंगे। हराम साधे ये वो आग नहीं जो साले पेट्रोल से। पेट्रोल से ना बुझी कौने तालियम ले चलो हाथ जो तो बुझी साले। फैजाबादी अगर महामंत्री उदय प्रताप सिंह का तारे दरबार में अपमान हुआ है इसलिए मेरा दिल जल रहा है। लेकिन ये अपमान का बदला हम उस अवश्य चुकाएंगे कि जिसकी वजह से मेरा अपमान तारे राज दरबार में हुआ। बाबू फैजाबादी
हमारे अपमान की असली जड़ है सेनानायक वीर बहादुर विक्रम सेन। बात तो सही कहा था लम्बरदार बाबू, एकदम मन के बात कहो। अरे उन्हीं के वजह से तुहार राज दरबार में इतनी बड़ी बेइज्जती। गंगा कसम बताई था लम्बरदार, अगर हमका भय होता हमार बेइज्जती तो हम जाए तो कोने कुइया इंदारा में डूब के मर जाए। साला झूरी कोई ना नारा मर जाता, दा साले चीती भी ना मरे। इधर आ साले कुइया ताल मरी होगा सारे तुमका कौन नलका मुगाड़ दिया भाई। तुझे अच्छी तरह से मालूम है कि हम ऐसी बेचारे पुरजनता की देख रेख अच्छी तरह से करते हैं। महामंत्री उदय प्रताप सिंह नाम है मेरा और वीर बहादुर विक्रम सिंह ने राज दरबार में मुझे बदनाम कर दिया, तो वीर बहादुर विक्रम सिंह का इस दुनिया से जीना बहाल कर दूंगा। उदय प्रताप सिंह नाम है मेरा, जाओ तुम लोग हमारे हुक्म का पालन करो। और मेरा एक दोस्त है जिसका नाम है शेरा सिंह, जाओ शेरा सिंह को बुलाकर मेरे पास हाजिर करो, जाओ हुक्म का पालन करो। आज के बाद तुम लोग देखना मंत्री उदय प्रताप सिंह की चाल। जय रघुनंदन जय घनश्याम, और मिली तो मिली नहीं जय सिया। बाबू हम जा रहे हैं, अब फोन से अब्बल लम्बरदार का हम बुलाए ले रहे हैं इलाहाबादी। हाँ भैया फैजाबादी, चला जाओ वही दुकानी पे लम्बरदार के ताए। हाँ एक चाय पांच गिलास में लेके आओ। ठीक भैया जा रहे हैं लेके आ रहे हैं, और साथे एक सिगरेट पांच डब्बी में। या बताओ भैया एक सिगरेट पांच डब्बी में लो भाई, एक चाय पांच कप में लो भाई, कॉफी है यार। अरे दो दो बूंद जिंदगी के लिए बहुत काफी है। ठीक है जा रहे हैं लेके आ रहे हैं। ठीक हटो। हाँ नंबर था कितना 99 84 2 4 3 5। सही है ही नंबर लगा दिया हराम जादो, और मेरा दोस्त पत्ताल हाजिर है।